नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। द्वारका पुलिस ने 850 क्वार्टर अवैध शराब के साथ एक शराब माफिया को किया गिरफ्तार। द्वारका जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने शानदार कार्रवाई करते हुए एक शराब माफिया विशाल को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में 850 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई है। ये शराब हरियाणा के लिए बिक्री के लिए थी। द्वारका डीसीपी अंकित सिंह के अनुसार द्वारका जिले में आदर्श आचार संहिता के दौरान अवैध शराब की बिक्री, आपूर्ति और भंडारण को रोकने के लिए सीनियर अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए स्पेशल स्टाफ की टीम को पहले से ही ऐसे कार्यों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया था। स्पेशल स्टाफ द्वारका जिला की टीम, जिसमें शामिल थे सब इंस्पेक्टर जयवीर सिंह, सब इंस्पेक्टर राकेश मुंड, हेड कांस्टेबल देव कुमार, हेड कांस्टेबल राजकुमार, हेड कांस्टेबल कुलदीप और कांस्टेबल हिमराज को अवैध शराब बेचने वालों को पकड़ने का विशेष कार्य सौंपा गया था। टीम ने ऐसे लोगों की जानकारी के लिए मैनुअल टेक्निकल सर्विलांस किया और साथ ही कई मुखबिरों को भी शामिल किया। 27 मई को टीम के सदस्य बिंदापुर थाना इलाके में गश्त लगा रहे थे। गश्त के दौरान वे विश्वास पार्क बिंदापुर दिल्ली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने कंधे पर एक प्लास्टिक का कट्टा लटकाए हुए है। प्लास्टिक का कट्टा, जिसकी तलाशी लेने पर हरियाणा में बिक्री के लिए 50 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई। पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि 16 पेटी अवैध शराब बिंदापुर के एक मकान में रखी गई है। टीम ने वहां पहुंचकर 16 पेटी अवैध शराब बरामद की जानकारी के आधार पर बिंदापुर थाना दिल्ली में दिल्ली आबकारी अधिनियम की संलग्न धारा के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया गया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।